कैसे हो आप लोग सब लोग। आज फिर से मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ। काफी अच्छा वीडियो है ये, अब बच्चों से रिलेटेड वीडियो है ये आपके लिए बनाया हूँ मेरे लोगों ने। जैसे मैं आज दोपहर को अपने बच्चे के साथ में उसका टेबल लर्न करवा रहा था, तो उसके साथ में टेबल लर्न करवाते करवाते ये वीडियो मैंने सीखा हूँ। तो कुछ एक मैंने टेबल के बारे में सिंपल सा मेथड सीखा हूँ, तो ये आप लोगों से मैं सोचा कि चलो वीडियो के द्वारा शेयर करूँ आप लोगों के साथ में। मैं तो ये आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर रहा हूँ। ये मेथड बहुत इजी मेथड है और आप लोगों को ये वीडियो एंड तक देखना है, क्योंकि ये वीडियो आज थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। और ये वीडियो में मेरा साथ देने के लिए आई है मेरी बेटी। हाय गाइस, मेरा नाम है गौरी गौतम। और इसमें हम आपको दो इजी मेथड बताएंगे, ये जो मैंने अपने बच्चे को जब टेबल लर्न करवा रहा था उस समय मैं सीखा हूँ, तो मैं आप लोगों को साथ में शेयर करना चाहता हूँ। जैसा भी मेरा बेटा कहाँ पे टेबल पे लटकता था और किस किस जगह पे लटकता था, मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी गौरी आपको टेबल लर्न करके बताएंगी। गौरी बेटा टेबल लर्न कीजिए। तो अभी मेरे बेटी ने लर्न करके बताया टेबल। तो मेरे बेटे का जैसा अभी का जब टेबल लर्न करता था, तो उसका 2 का टेबल में वो काफी 2 1 2 2 2 4 2 2 3 6 यहाँ पे आके वो अटक जाता है। तो मैं आपको एक सिंपल मेथड आपके बच्चों को याद करवाने के लिए बताने वाला हूँ। जैसे अगर आप अगर 2 1 के आगे में प्लस कर देंगे, फिर इसमें एडिशन, इसमें अभी जोड़ देंगे 2 और उसके बाद में इगल 2 करेंगे, इगल टू। जैसा मेरी बेटी कुछ कुछ बताएंगी आपको, जैसे हम लोग अगर हिंदी में बोला जाए तो बरोबर तो करेंगे, तो इसका आंसर आएगा 4। तो आपका 2 2 क्या आया 4। और इसके बाद में आपको फिर से इसी तरीके से प्लस करना है और फिर से 2 जोड़ना है और इसको इजी कर टू करना है और इसका आंसर आएगा 6। इसी तरीके से आपको फिर से यहाँ पर प्लस करना है। हाँ, प्लस करते जाना है, प्लस और फिर आपको 2 लिखना है और फिर इजी कर टू करना है, उसके बाद उसका आंसर आएगा 8। तो इस तरीके से ये मेथड हो गया है और आपको हर जगह पे इसी तरीके से प्लस करते करते जाएंगे। फिर अगर इसके बाद में एक सिंपल मेथड हम आपको बताते हैं, अगर समझ लीजिए, अगर इससे भी अगर आपका बच्चा नहीं सीख पाता, अगर उसके माइंड में नहीं आता है, तो हम जैसे रणवीर को इससे भी अगर नहीं समझ रहा था, तो हमने और एक मेथड मैंने उसको बताया रणवीर को। तो जैसे अगर हो गया, जैसे वो लिखता था 3 का टेबल लिखा उसने, 3 1 3, तो उसको मैंने एक मेथड बताया, बेटा इधर में नीचे में आप लिखो 1 मिनट। हम पूरे टेबल नहीं लेंगे, खाली हम एक कोई भी टेबल लेंगे, आपको खाली मेथड बताना चाहते हैं। मेरा ब्रदर 8 में अटका था। जैसा 3 1 3 बोला उसने, ओके गाइस आप लोगों को दिख रहा है नहीं दिख रहा है, फिर से हम मिटाएंगे, थोड़ा सा गौरी नजीक ले लीजिए। 3 1 3, फिर उसको मैंने बोला बेटा 3 1 3, उसको भी बोला 3 2 की क्या आएगा, तो उसको मैंने एक मेथड बताया, नीचे में आप लिखिए बेटा, फिर लिखिए इसके नीचे में 3, फिर प्लस नहीं, उसको भी हमने बताया मेथड। और 3 के बाद में क्या आता बेटा, तो उसको हमने गिनती बताया, 3 के बाद क्या आता, तो उसने गिना सोचा 4 एंड 4 5 6 7, फिर उसने अपने ये ऐसे 1 2 2 3 3, तो आंसर क्या है आपको मिला 6। तो आप 3 2 6 3 2 6 6 एंड
और फिर से सिक्स से नहीं, फिर सेवन से गिन में, सेवन एट नाइन वन टू थ्री, आंसर इज नाइन। तो इस तरीके से आपको हमने दो मेथड आपको बता दी है, पूरा टेबल समझाने की तो जरूरत नहीं है गाइस, आप लोग सब लोग तो समझदार ही है। तो ये दो मेथड से आप अपने बच्चों को आसान तरीके से टेबल को लर्न करवा सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि कैसा लगा और अच्छा हो, कुछ गलती हुई होगी तो हमको बताइए। बाय बाय।